गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जित्स एकेडमी टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सेवेंथ ICSE बायोलॉजी इन दट इज टिश्यू इन दिस क्लास वी विल कंप्लीट सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर टिश्यू दैट इज एनिमल टिश्यू सो लेट्स गेट स्टार्टड सो हेयर वी आर हैविंग एनिमल टिश्यू तो एनिमल टिश्यू क्या होता है ध्यान से देखो सबसे पहले एनिमल टिश्यू में क्या होगा कि जो भी सेल्स हमारे कंबाइन होते हैं ना हमें पता है कि कोई भी हमारी अगर बॉडी है या ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम है सभी सेल्स को जोड़ के बने होते हैं ठीक है सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो सेल को जोड़ के हमने ये पढ़ा था प्लांट्स टिश्यू में कि सेल को जोड़ के क्या बनेगा टिश्यू बनेगा टिश्यू को जोड़ के क्या बनेगा ऑर्गन ऑर्गन को जोड़ के ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम को जोड़ के पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा ठीक है अब ये पूरे एनिमल टिश्यू में हमने ये रीड करना है कि कैसी कैसी सेल्स कंबाइन करके कौन कौन से टिश्यू बनाएंगे और कैसे पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा ठीक है एनिमल टिश्यू रीड करने से पहले क्या होगा कि जो एनिमल टिश्यू है वो फोर मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है तो अब टाइप्स से हम रीड करेंगे एनिमल टिश्यू को तो फर्स्ट है हमारे पास एपिथिलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू एपिथिलियल टिश्यू में क्या होगा मेनली जो हमें कवरिंग होती है प्रोटेक्शन होती है कोई भी टिश्यूज की वो मेनली हमें कहां से मिलती है एपिथिलियल टिश्यूज से नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से नाम से क्लियर है कनेक्टिव कनेक्ट connect करने वाला कोई भी अगर टिश्यू की बाइंडिंग करनी है कनेक्ट करना है या उसको सपोर्ट करना है टिश्यूज़ को वो कौन कौन सा टिश्यू करेगा वो कनेक्टिव टिश्यू करेगा ठीक है नेक्स्ट वन हैविंग मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स वगैरह में हेल्पफुल होते हैं टिश्यूज जो हमें कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ठीक है नर्वस टिश्यू क्या होता है जो एक रिस्पॉन्सिव टिश्यू होता है रिस्पॉन्सिव मतलब ब्रेन से कोई मैसेज लेके आना बॉडी तक या बॉडी का कोई मैसेज सेंड करना है ब्रेन तक वो सारा कुछ कौन करेगा नर्वस टिश्यू वन बाय वन हम रीड करेंगे सभी टिश्यू कैसे हेल्पफुल होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म बॉडी में ठीक है तो हमारे पास एक चार्ट गिवन है चार्ट में क्या है कि जो हमने फोर टाइप ऑफ यहाँ पे टिश्यूज रीड करनी है वो फोर टाइप ऑफ टिश्यूज के भी आगे टाइप्स हैं कैसे टाइप देखो एपिथेलियल टिश्यू के थ्री टाइप्स हैं स्कोमस एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनल एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू के आगे थ्री टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आगे एरियोलर एडिपोस और फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा सेकेंड टाइप स्केटल टिश्यू जिसमें बोन और कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ेंगे और थर्ड आ जाएगा फ्लूड टिश्यू जिसमें ब्लड और लिव के बारे में पढ़ेंगे ठीक है थर्ड व्यू आर हैविंग मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू के भी आगे तीन टाइप्स हैं सीरेटेड अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स ठीक है नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द नर्वस टिश्यू अभी हम ये सभी सभी के बारे में क्या करेंगे वन बाय वन में रीड करेंगे ठीक है फर्स्ट टिश्यू वी आर हैविंग एपिथेलियल टिश्यू ये फर्स्ट टाइप एनिमल टिश्यू का तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली क्या होता है ना कि जो एक कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ सेल्स होते हैं जैसे हमें आपने अगर देखा हो घर में हमारे टाइल्स लगी होती है ना ये पूरे घर में ऐसे करके टाइल्स लगी हुई हैं ठीक है तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू ये भी कुछ ऐसे टाइल्स की तरह ही होता है एक कॉन्टिन्यूस शीट की तरह इनमें सेल्स जो है वो अरेंज होते हैं और जो ये सेल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ठीक है इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती ठीक है अब ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे लोकेशन कहां पे इनकी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो मेनली जो हमारी स्किन होती है ना जो हमारी आगे स्किन के अंदर क्या होते हैं बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारे जो भी मसल्स हैं या बोन्स हैं उनके ऊपर एक स्किन होती है तो स्किन के ऊपर कौन सा टिश्यू होता है स्किन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है ठीक है इवन तो जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स के अराउंड भी कौन सा टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है ठीक है तो ये क्या करते हैं अगर हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी कैविटीज वगैरह या होल वगैरह रह जाए ना या हॉलो कोई चीज रह जाए होल्स रह जाए तो उन होल्स को कवर करने

तो फर्स्ट वी आर हैविंग स्क्एमस एपीथीलियम स्क्ोमस एपीथीलियम कुछ ऐसे दिखते हैं स्क्ोएमस एपीथीलम का लोकेशन कहाँ काफ़ी का प्रेजेंट होती है ये जो हमारी आउटर लेयर होती है स्किन की या लाइनिंग होती है एलवली की ब्लड वेसल्स में बॉडी कैविटी में या बकल कैविटी बकल कैविटी जैसे हमारा माउथ वगैरह ठीक है उसमें क्या प्रेजेंट होता है स्क्वेमस एपिथीलियम अब ये बनता कैसे स्ट्रक्चर हमने रीड करनी है जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्वेमस एपिथीलियम कैसे बनेगा कि अगर हमारे घर में कुछ टाइल्स लगी हैं ठीक है टाइल्स ऐसे अरेंज है ना बिल्कुल साथ साथ में अरेंज है वैसी एक पूरी फ्लैटेंड शेप में क्या होगा एपिथीलियम टिश्यू के सेल्स कंबाइंड होंगे ठीक है ये स्केल लाइक सेल्स होंगे स्केल मतलब ऐसे करके पूरा कंबाइंड होगा स्केल की तरह और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम पेवमेंट एपिथीलियम भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? अभी एपिथीलियम का फंक्शन क्या होगा कि जो भी अंडरलिंग टिश्यूज हैं जो भी हमारे स्किन के अंडरलिंग टिश्यूज हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से एप, कौन से टिश्यूज होते हैं स्क्वैमस एपिथीलियम होते हैं ठीक है नेक्स्ट आ गया हमारे पास एपिथीलियम क्यूबॉइडल जैसे नाम से क्लियर है, जो सेल्स जैसे क्यूबॉइड की फॉर्म में अरेंज है ये सेल जैसे क्यूबॉइड की फॉर्म में अरेंज है ना इसे हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथीलियम ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये प्रेजेंट हो किडनी में थायराइड में ठीक है थायराइड होता है ग्लैंड्स होते हैं है हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड में होंगे या जो टेस्टिस एंड ओवरीज़ के जो भी होंगे ना वहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्यूबॉइडल एपिथीलियम ठीक है अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर होता है क्यूब लाइक सेल्स क्यूब बोलो क्यूबॉइड बोलो तो ये क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्यूब लाइक सेल्स होते हैं ऐसे अरेंज होते हैं जैसे टाइल्स अरेंज है वैसे टाइल्स की फॉर्म में भी क्यूब्स की फॉर्म में ऐसे साथ साथ में अरेंज है ठीक है ये सिंगल लेयर होता है इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट है सेल्स के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ठीक है अब इसका फंक्शन क्या है कि जो भी अब्जॉर्प्शन है सिक्रीशन होनी है गेमीट्स की टेस्टिस में या ओवरीज में गेमीट्स बनते हैं तो वो गेमीट्स बनने में कौन हेल्प करते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे एपीथिलर टिशू और एपीथील टिशू में कौन आता है क्यूबॉइडल बॉयडल ठीक है नेक्स्ट टाइप वी आर हैविंग कॉलमनर एपिथीलियम कॉलमनर मतलब कॉलम्स जो सेल्स जैसे कॉलम की फॉर्म में अरेंज होंगे ठीक है वो कौन से होंगे कॉलमनर एपिथीलियम ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे लाइनिंग ऑफ पैरनेक्स जो हमारे यहाँ पे फूड पाइप के जैसे साउंड बॉक्स के अंदर एक पैरनेक्स होता है उसमें ब्लाइंडिंग में प्रेजेंट होंगे स्टमक में प्रेजेंट है इंटेंस्टाइन में स्वेट ग्लैंड में सिबिशियस ग्लैंड सिबीशियस ग्लैंड मतलब ऑयल ग्लैंड जो हमारी बॉडी में ऑयल ग्लैंड सिक्रिट होते हैं ना ऑयल सिक्रेट होता है फेस पे वो वो सबिशियस ग्लैंड से सिक्रेट होता है ठीक है तो वहाँ पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वहाँ पे होंगे कॉलमनर एपिथीलियम ठीक है अभी इनका स्ट्रक्चर कैसा है ये सिलेंडरल सेल्स की फॉर्म में होती है ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं ठीक है थीके? और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस के नियर होता है न्यूक्लियस बिल्कुल बेस के नियर होगा और ये भी एक सिंगल लेयर ही होंगे ऐसे सिंगल सिंगल लेयर के फॉर्म बने होंगे कॉलमनर एपिथेलियम ठीक है इनका फंक्शन भी क्या होगा कोई भी एब्जॉर्ब्शन या सिक्रीशन होनी है कोई भी जैसे ऑयल की सिक्रीशन होनी है स्वेट की सिक्रीशन होनी है हमारी बॉडी में वो हेल्पफुल कौन थे कौन करवाते हैं वो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं ठीक है नेक्स्ट में हैविंग सिलेटेड एपिथीलियम सिलेटेड एपिथीलियम जैसे ऐसे होते हैं कॉलमर की फॉर्म में होते हैं पर इनमें ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है ऐसे ऐसे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम सिलेटेड एपीथीलियम बोलते हैं है? है, ठीक है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ नेसल पैजेस हमारे नोस में प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में ओविडक्टल फनल में ओविडक्ट में ठीक है ये सभी जो एरियाज है लोकेशन है आपने लर्न रखनी है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है सिलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होता है ठीक है इनके अभी स्ट्रक्चर कैसी है ये मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स होते हैं ऐसे कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं बट विद सीलिया सिलिया मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है थीके? तो अभी इसका फंक्शन क्या है सीलिया मेक द सबस्टांस टू मूव इन द कैविटी अगर कोई भी सब्सटांस को कोई भी कैविटी कोई भी स्मॉल मतलब एरिया में मूव करना है तो जो भी ये सिलियेटेड एपिथिलम होगा ये हेल्पफुल करेगा कोई भी सब्सटांस को मूव करवाने के लिए इनसाइड द बॉडी ओके नेक्स्ट आया ग्लैंडुलर एपीथीलियम ग्लैंडुलर एपीथीलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा जो हमारे स्टमक के ग्लैंड्स हैं इंटेस्टाइन में स्किन में मेमोरी ग्लैंड है सभी में कौन सा प्रेजेंट होगा टिश्यू ग्लैंडुलर एपीथीलियम प्रेजेंट होगा ठीक है अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी है ये मॉडिफाइड कॉलमिनर कॉलमर एपीथीलियम को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बनता है ग्लैंडर एपीथीलियम वैसी होते हैं कॉलमर के फॉर्म में होते हैं ठीक है ठीके? इनकी फंक्शन क्या ये है ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट करते हैं ऑयल सक्रिएशन में हेल्पफुल करते हैं जैसे टीयर्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर टीयर्स होते हैं ना आइज में टीर्स आते हैं वो टीयर्स भी से कौन सी टिश्यू की हेल्प से आते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम या मिल्क इन द फीमेल्स वो भी कैसे प्रोड्यूस होता है ग्लैंडुलर एपिथिलियम की हेल्प से तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेंसरी एपिथेलियम सेंसरी जैसे नाम से क्लियर है सेंसरी सेंस ऑर्गन्स वो टिश्यूज जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे वो टिश्यूज़ को हम क्या बोलेंगे सेंसरी एपिथेलियम सेंस ऑर्गन जैसे हमारे टेस्ट बर्ड है टंग, टंग लो ठीक है ईयर्स नोज आइज इन सभी में कौन से टिश्यू है इन सभी में सेंसरी एपीथीलियम टिश्यू है ठीक है ये भी मॉडिफाइड कॉलमनर एपीथीलियम है बट इनके जो फ्री एंड्स होते हैं उनमें सेंसरी सेल्स लगे होते हैं और यू कैन सी यहाँ पे सेंसरी हेयर्स होते हैं जो सेंस करने में हेल्पफुल थे जो ईजी सेंस कर लेते हैं ठीक है जैसे टेस्ट

सभी पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा और जो कनेक्टिव टिश्यू ना हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं मैट्रिक्स और यू कैन से ग्राउंड सब्सटेंस होता है यू कैन से इंटर सेलुलर होती है बॉडी में वो इंटर स्पेसेस में क्या प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है ठीक है सो वन बाय वन हम रीड करेंगे कि कनेक्टिव और बाइंडिंग टिश्यू क्या होते हैं स्केलडल स्पोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं और फ्लूड और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं ठीक है फर्स्ट वी आर हैविंग कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्टिंग टिश्यू के अंदर एक्चुअली हम रीड करेंगे एडिपोस टिश्यू के बारे में एडिपोस टिश्यू का क्या होता है एडिपोस टिश्यू एक्चुअली क्या करता है जो भी हमारे बॉडी के अंदर फैट्स वगैरह होते हैं ना वो फैट्स को स्टोर करने के लिए एडिपोस टिश्यू हेल्पफुल होता है जो भी अभी हमारे पास यहाँ पे एडिपोस टिश्यू होगा ना वो एडिपोस टिश्यू पूरा फिल होगा ऑयल ग्लोब्यूल से जो भी फैट में से ऑयल वगैरह एक्सक्रीट होगा वो ऑयल कहाँ पर प्रेजेंट होगा कौन कहां पे जाके जाएगा वो एडिपोस टिश्यू में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है कनेक्टिंग टिश्यू की नेक्स्ट एक और टाइप होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेनली क्या बनाते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स तो टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं ध्यान से देखो सो so, टेंडन्स क्या होते हैं टेंडन्स ना एक्चुअली टेंडन्स एक ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि जो हमारे मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है टेंडन्स और जो टेंडेंस होते हैं ना वो एक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे मसल्स के एंड में प्रेजेंट होता है ठीक है मसल्स के एंड में क्या होगा यहाँ पे एक बोन होगी यहाँ पे एक मसल होगा बोन और मसल को अटैच करने के लिए कंबाइन करवाने के लिए एक कनेक्टिंग टिश्यू आएगा और वो कनेक्टिंग टिश्यू का नाम क्या होगा टेंडन्स तो <test> मसल्स <cost> <information> so, और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है टेंडन्स यूज होता है और बट अगर आपको टू बोन्स को कनेक्ट करवाना है अगर मैंने ये एक ये एक बोन है और ये एक बोन है ठीक है अगर मैंने टू बोन्स को कनेक्ट करवाना है तो टू बोन्स को कनेक्ट करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं है, हम लिगामेंट्स होते हैं ठीक है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करवाने के लिए क्या होते हैं टेंडन्स होते हैं और टू बोन्स को कनेक्ट करवाने के लिए क्या होते हैं लिगामेंट्स होते हैं ठीक है थीके? अभी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस गिवन है टेंडन और लिगामेंट में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टेंडन्स क्या होते हैं टेंडन जैसे मसल और बोन को कनेक्ट करती हैं और मसल और बोन को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग और नॉन इलास्टिक मटीरियल यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं टेंडन ये जो लिगामेंट होते हैं ये टू बोन्स को कनेक्ट करते हैं ये स्ट्रॉग होता है बट ये इलास्टिक भी होता है ठीक है हम जैसे बोन फॉर एग्जाम्पल हमने आर्म को मूव किया तो बोन इजीली वो मूव कर रही है ना क्योंकि उनमें बीच कैर प्रेजेंट है उनमें बीच लिगामेंट प्रेजेंट है ठीक है टेंडन क्या होता है टेंडन जैसे होते हैं वो वाइट नॉन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं बट जो लिगामेंट होते हैं उनमें येलो इलास्टिक टिश्यू होता है ठीक है ये आपने लर्न करना ही होगा आपको जो टेंडन वो मसल एंड के मसल बंडल्स के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है और जो ये लिगामेंट होते हैं ये एंड ऑफ बोन्स पे होता है ठीक है क्योंकि ये मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला है और ये बोन और बोन को कनेक्ट करने वाला है ठीक है टेंडन क्या करेंगे मसल टू द एंड ऑफ बोन को कनेक्ट करेंगे और जो ये लिगामेंट है ये टू बोन्स को कनेक्ट करेंगे ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वी आर हैविंग स्केल्टल टिश्यू स्केल्टल टिश्यू में आगे टू टाइप्स आ जाएंगे कार्टिलेज एंड बोन बोन तो आपको पता है कि जो हमारे पास ये हड्डी होती, होती है हमारी जो हड्डियाँ होती है ना उसे हम बोन्स बोलते हैं कार्टिलेज क्या होता है कार्टिलेज मतलब टू बोन्स को जो ये कनेक्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज कार्टिलेज को हम रीड करेंगे अच्छे से क्या होता है तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कार्टिलेज कार्टिलेज क्या होगा एक फर्म मतलब थोड़ा सा सख्त होगा रिजिड होगा बट ये इलास्टिक होगा मतलब ऐसे नहीं है कि इलास्टिक मतलब टूट जाएगा टूटेगा भी नहीं फर्म होता है भी ऐसे स्ट्रांग होता है ऐसे तो, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है यह क्या करेगा हमारे जो भी विंड पाइप है जो हमारी हम जो सांस लेते हैं ठीक है जो सांस लेते हैं वो भी विंड पाइप से आती है ना विंड पाइप के विंड पाइप को सपोर्ट करेगा ये कार्टिलेज जो हमारी नेसल सेप्टम होती है जो हमारा नोज होता है उसको सपोर्ट करता है एक्सटर्नल ईयर ईयर वगैरह को सपोर्ट करने के लिए जैसे आपने कभी नोट किया होगी आपके अगर जो ईयर आपको ऐसे ईयर को हिलाओ तो ईयर क्या होगा बड़ा इलास्टिक सा होगा ना बड़ा मतलब ईजिली मूव कर जाता है क्योंकि ईयर में क्या प्रेजेंट है ईयर में कार्टिलेज प्रेजेंट है सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नोज़ की तो नोज़ भी बड़ा हल्का सा होता है ना वो ईजिली थोड़ा सा मूव कर सकते हैं हम ऐसे हिला सकते हो नोज को ठीक है उसकी स्किन को हिला सकते हो मेरा मतलब तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा क्योंकि ये बहुत सारा इलास्टिक होता है तो ये क्या करता है तो ये बोन्स के जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है टू बोन्स के जॉइंट पे यहां पे टू बोन्स के जॉइंट पे प्रेजेंट होगा क्या होगा कार्टिलेज ठीक है इसीलिए हम क्या करते हैं इजीली अपने जो आर्म को है इजिली ऐसे मूव कर लेते हैं मतलब अप एंड डाउन मूव कर लेते हैं क्योंकि इनमें के बीच में क्या प्रेजेंट है कार्टिलेज और कार्टिलेज थोड़ा सा इलास्टिक है वो हेल्पफुल करता है कि हम ईजिली उसको हिला सकें ठीक है क्योंकि टू बोन्स के जो सेंटर में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसीलिए उसको शॉक वगैरह अगर हमें मतलब आम को मूव करवाना है ठीक है या आम को रोटेट करवाना है वो इजीली हम करवा सकते हैं नेक्स्ट वी आर हैविंग बोन्स बोन्स तो आपको पता है जो हमारे पास ये बोन्स होती है ये बोन्स हार्ड होती है और नॉन इलास्टिक बोन्स को आप हिला नहीं सकते ठीक है बोन्स बनी कैसे होती है एक्चुअली बोन जो होती है ना वो कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की बनी होती है और ये काम पे प्रेजेंट होती है ये मैट्रिक्स ऑफ द बोन बोन में जो भी इंटरसेलुलर स्पेसिस वगैरह प्रेजेंट हो गए ना उसमें क्या होता है वो ये कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट होता है और जिसके कारण ये बोन्स पूरी हार्ड होती है स्ट्रांग होती है प्लस ये ब्रिटल होती है ब्रिटल मतलब क्या है कि अगर आपका कोई बोन फ्रैक्चर है ना अगर आप गिर जाओ तो आपका बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है ब्रिटल मतलब उसका टूटना टूट भी सकती है बोन आपकी ठीक है इसीलिए जो हमारी बोन्स है वो ब्रोक हो सकती है इसे हम क्या करते हैं बोन फ्रैक्चर अगर हमारे पास कोई लेग फ्रैक्चर मतलब लेग का बोन फ्रैक्चर हो जाए या आर्म का बोन फ्रैक्चर हो जाए वो कैसे होती है क्योंकि वो बोन जो है वो ब्रिटल होती है ब्रिटल मतलब इजीली वो टूट भी सकती है अगर आप उसको ज्यादा स्ट्रांगली पुश करोगे पुल करोगे ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग बोन्स जो करती है ना वो एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन जैसे हमारे पास हर्ट है ठीक है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है जो लिवर है लंग्स है ठीक है उन सभी डेलिकेट ऑर्गन्स की एक पूरी प्रोटेक्टिव सपोर्टिव फ्रेमवर्क बन जाता है उसके अराउंड पूरा गार्ड की तरह खड़ा होता है कौन खड़ा होता है बोन्स खड़े होते हैं ठीक है थीके? हमारे जो ब्रेन है लंग्स है हर्ट है इन सभी को ईजिली सपोर्ट करके रखता है पूरा फ्रेमवर्क पूरा एज अ बॉडी गार्ड बन के रहता है कौन बोन्स बन के रहते हैं ठीक है थीके? और हमें लोकोमोशन हमें मूवमेंट के लिए भी लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना अगर हमने कोई भी मूवमेंट करना है चलना है बैठना है उसके लिए भी कौन हेल्पफुल है उसके लिए भी बोन्स हेल्पफुल होते हैं ठीक है थीके? सो नाउ वी आर हैविंग आर बी सीज एंड डब्ल्यू बी सी तो आर बी सी और डब्ल्यू बी सी क्या होता है आर बी सी मतलब रेड ब्लड सेल डब्ल्यू बी मतलब वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल क्या होता है हमारी जो बॉडी में हीमोग्लोबिन वगैरह प्रेजेंट होता है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है उसमें हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होगा रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगी और अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ जाए हमें डिजीज लग जाए वो डिजीज़ में कौन फाइट करेगा कौन हमारी बॉडी को सही करेगा वो सही करेंगे वाइट ब्लड सेल ठीक है डब्ल्यू बी सी जो ये आर और डब्ल्यू होते हैं ना ये हमारे बॉडी के अंदर रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे लॉन्ग बोन्स हैं उन लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आर और डब्ल्यू बी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है और डब्ल्यू की वजह से जो भी हमें इन्फेक्शन वगैरह होती है उसे हम ठीक जल्दी हो जाते हैं कैसे आर की हेल्प से नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारी बैकबोन होती है ना वर्टिब्रे बैकबोन होती है बैकबोन के अंदर ऐसे डिस्क लाइक -like, ऐसे डिस्क लाइक -like स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज इसीलिए हम क्या करते हैं अपनी जो हमारी पीठ उसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ठीक है हम, हम क्या करते हैं बेंड कर लेते हैं स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं वो कैसे होते हैं क्योंकि हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर ऐसे डिस्क लाइक -like शेप में प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज अगर हमें कभी भी बैक पेन हो ना बैक पेन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारी बैकबोन में या तो वो ज़्यादा ही प्रेस हो जाए या कोई डैमेज हो जाए इसीलिए हमारे क्या होता है बैक में पेन होती है तो एक कार्टिलेज की हेल्प से आप बैक को इजीली मूव कर लेते हो आप बेंड कर लेते हो स्ट्रेट खड़े हो जाते हो तो कार्टिलेज हमारी बैक बोन में भी प्रेजेंट होता है ठीक है सो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू वी आर हैविंग फ्लुड टिश्यू दैट इज ब्लड तो ब्लड तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है ठीक है रेड कलर वाला ब्लड होता है ना तो हमारी बॉडी के अंदर रेड कलर का फ्लुइड प्रेजेंट होता है फ्लूइड टिश्यू प्रेजेंट होता है बट ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में लिम्स भी प्रेजेंट होता है तो लिम्स क्या होता है वो हम रीड करेंगे पहले हम रीड करें कि प्लाज्मा क्या होता है एक्चुअली अगर आपके अगर आपने देखा हो तो अगर आपको चोट लगती है चोट लगने से आपको ब्लड बाहर आता है तो ब्लड के अराउंड ना एक व्हाइट और यू कैन से ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है एक लिक्विड की उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा है? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है और प्लाज्मा नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है वो सेल्स को हम क्या बोलते हैं ब्लड सेल्स ठीक है अभी जो ये ब्लड सेल्स है वो थ्री टाइप्स के होते हैं आरबीसी डब्ल्यू बी सी एंड ब्लड प्लेटलेट्स वन बाय वन हम रीड करेंगे ये सभी क्या होते हैं तो फर्स्ट वी आर हैविंग आरबीसी दैट फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल तो तो रेड ब्लड सेल क्या करेगा हमारी ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स को जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें रेस्पिरेशन करनी होती है हमें ब्रीदिंग करनी होती है ब्रीदिंग में हमें क्या करते हैं एटमोसफियर से ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं ना तो वो जब हम अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन विंड पाइप से तो अंदर जाने में ईच एंड एवरी सेल तक कौन पहुंचा के आएगा ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा के आएगा आर बी सी दैट इज रेड ब्लड सेल नेक्स्ट वन हैविंग डब्ल्यू बी सी दैट इज वाइट ब्लड सेल तो व्हाइट ब्लड का सेल मेनली काम क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में बाई चांस कोई भी जर्म्स वगैरह एंटर हो जाए तो वो जर्म्स के खिलाफ फ़ाइट करने के लिए कौन प्रेजेंट होगा वाइट ब्लड सेल्स हमें क्या करेगा डिजीजेस से बचाने के लिए डब्ल्यू खड़े होंगे इसीलिए हम डब्ल्यू को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग ब्लड प्लेटलेट्स तो ब्लड प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी चोट लगी चोट लगने पे आपका ब्लड बाहर आएगा अभी ब्लड क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल टू थ्री आवर्स हो गए ब्लड बाहर आते को तो उसके बाद क्या होगा धीरे धीरे वो ब्लड के ऊपर एक थोड़ी सी कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी ना रेडिश ब्राउन सा एक पूरा लेयर आ जाएगा उसे हम बोलेंगे कि जो ब्लड है वो क्लॉट होना स्टार्ट होगा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया वो ब्लड क्लॉट कैसे करता है वो ब्लड क्लॉट करता है ब्लड प्लेटलेट से तो ब्लड प्लेटलेट सेल्स और टिश्यूज एक्चुअली क्या करेंगे ब्लड को क्लॉट करवाने में या इकट्ठा करवाने में हेल्पफुल ठीक है तो नेक्स्ट फ्लू टिश्यू वी आर हैविंग लिम्फ ये हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है और लिम्फ होता है ब्लड के आसपास क्या होता है प्लाज्मा होता है अभी हमें रीड करना है कि एक्चुअली लिम्फ क्या होता है तो लिम्फ एक एक्चुअली फिल्टर्ड ब्लड होता है फिल्टर्ड ब्लड होता है क्या होता है लिम्फ होता है ठीक है ये ब्लड प्लाज्मा ही होता है एक्चुअली ये ब्लड प्लाज्मा ही है जैसे हमने ना ब्लड के आसपास एक मतलब ब्लड प्लाज्मा होता है ये भी एक टाइप का ब्लड प्लाज्मा है बट इसमें ब्लड सेल्स नहीं होंगे ठीक है ना इसमें कोई ब्लड प्रोटीन्स होंगे ठीक है तो इसमें ना ही ब्लड सेल्स होंगे और ना ही ब्लड प्रोटीन्स होंगे ये लिम्फ का मेन काम क्या होगा कि अगर कोई भी ब्लड और सेल में कुछ ट्रांसफर करना है कोई भी मटेरियल कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसफर करवाना है वो ट्रांसफर कौन करवाएंगे ये लिम्फ करवाएगा ये आप नोट डाउन कर लो इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स टिश्यू सेल्स और ब्लड में अगर कुछ एक्सचेंज वगैरह होना है कुछ भी सब्सटांस का ट्रांसपोर्ट होना तो वो कैसे होगा लिम्फ की हेल्प से होगा ठीक है और अगर हमारी कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह आ जाए इन्फेक्शन में से भी कौन लड़ेगा इन्फेक्शन से भी लड़ेगा लिम्फ ठीक है तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा फ्लूड टिश्यू में एक्चुअली आर बी सी डब्ल्यू बी सी लिम्स प्लाज्मा सभी प्रेजेंट है ना तो ओवरऑल आप क्या लिखोगे कि जो टिश्यूज़ होते हैं फ्लूड टिश्यूज़ होते हैं फ्लूड टिश्यू मेनली मेन काम तो उनका क्या होगा कि ऑक्सीजन वगैरह जो सभी न्यूट्रेंट्स वगैरह पूरे बॉडी सेल्स को ट्रांसपोर्ट करवा के आना है तो वो ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा फ्लूड टिश्यूज़ करवाएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है और जो भी हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा या कोई भी एक्सक्रेटरी कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वगैरह उसे बाहर निकालना होगा तो वो बाहर निकालने के लिए भी कौन यूज़ आएगा फ्लूड टिश्यूज़ यूज़ ठीक है और हमारा फ्लू टिश्यू क्या करेगा फ्लूड टिश्यू से हमें जो भी हार्मोन्स वगैरह टारगेट टिश्यू तक जाने हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लैंड मेरा ऑयल क्रिएट करेंगे या कोई भी हार्मोन क्रिएट होने वो अच्छे से क्रिएट हो जाए हमारी बॉडी ऑर्गन तक वो भी कौन हेल्पफुल करेंगे फ्लुइड टिश्यू हेल्पफुल करते हैं और हमने ये भी पढ़ा कि जो लिम्फ है वो क्या करता है किल करता है माइक्रोब्स को जो एक्स्ट्रा माइक्रोब या जर्म्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाती हैं उनको भी किल करने के लिए कौन हेल्पफुल होते हैं फ्लूड टिश्यू होते हैं फ्लूड टिश्यू का नाम वो क्या है लिम्फ है ठीक है जो भी हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना जैसे डब्ल्यू इसी क्या करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना है वो भी हमारे कौन हेल्पफुल करेंगे फिलूड टिश्यू हेल्पफुल करेंगे तो मेन ओवरऑल इसका काम ये होता है ठीक है सो नाउ वी आर हैविंग फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू तो हमने सभी टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू की रीड कर ली अभी हमें भी ये फाइंड आउट करना है कि इसके फंक्शन क्या है तो फंक्शंस क्या है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू या ऑर्गन होते हैं उन सभी को कंबाइन रखने के लिए क्योंकि तो टिशू है ऑर्गन है ऑर्गन सिस्टम जो सभी सेल्स हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को टुगेदर रखने के लिए उनमें जो भी कोई स्पेस वगैरह अगर कोई भी हुई ऑर्गन्स के अंदर तो वो स्पेस वगैरह को फिल करने के लिए कौन आएगा कोनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होंगे ठीक है ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे बॉडी को या बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू वी आर हैविंग मस्कुलर टिश्यू तो मस्कुलर टिश्यू एक्चुअली क्या होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझाती हूँ आगे इसमें क्या होगा कि जो भी हमारी बॉडी में मतलब प्रेजेंट है हमारे जो स्किन वगैरह प्रेजेंट है ना जो भी हमारी बॉडी की फ्लैश प्रेजेंट है उन सभी में क्या होगा मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे ठीक है ये लॉन्ग फाइब्रस और कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स से बने होते हैं ऐसे लॉन्ग फाइब्रस सेल्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं मसल फाइबर्स भी बोलते हैं ठीक है जो हर एक मसल फाइबर होगा ना उसमें एक अंदर एक मतलब टाइप ऑफ प्रोटीन कह लो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल क्या रो लो कुछ फाइबर कह लो उसे हम क्या बोलेंगे मायोफाइब्रल्स ये मसल फाइबर्स के अंदर मसल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होंगे जो ये मायोफाइब्रल्स मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये किससे बने होते हैं बने होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं ठीक है और जो मायोफाइब्रिल्स मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना इसमें क्या होता है ये अगर हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवाए जैसे हमारा हर्ट है हर्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है ना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को शो करवाने के लिए मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है उसमें मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है तो मायोफाइब्रिल्स एक्चुअल काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के मसल्स के लिए ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू थ्री टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू वी विल स्टडी स्ट्रिएटेड मसल्स नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डिक मसल्स सो नाउ वी आर हैविंग फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिशू मस्कुलर टिश्यू मेन काम क्या करेगा पहले तो हमारी लोको मोशन के लिए हेल्पफुल होगा हमें अगर मूवमेंट करनी है चलना फिरना हमें अपनी आर्म्स को मूव करवाना है वो सभी कौन हेल्पफुल करवाएगा मस्कुलर टिश्यू ठीक है और अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड एलिमेंट्री कैनाल से मूव करना है एलिमेंट्री कैनाल अगर हमारे पूरे फूड पाइप से या मतलब हमारे गले से नीचे तक पूरा फूड मूव करना है वो भी कैसे होगा मस्कुलर टिश्यू की हेल्पफुल से होगा और अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करना है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर हर्ट काम कर रहा है ब्लड काम मतलब फ्लो कर रहा है अभी हम जिंदा है ना तो इस हर्ट को भी कौन हेल्पफुल करवाता है कॉन्ट्रैक्टर करवाने के लिए वो भी मस्कुलर टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्स करवाते हैं इसीलिए हमारा जो हर्ट है वो पंप कर रहा है सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू फर्स्टली वी आर हैविंग स्टेरिएटेड मसल्स स्टेरिएटेडेड मसल्स को हम वलंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं वलंट्री मसल्स मतलब वो मसल्स जो हमारे हाथ में हम कैसे उसको काम करवाना चाहते हैं ठीक है वलंट्री मसल्स का लोकेशन क्या पे होता है अटैच टू द बोन्स बोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं वलन्ट्री मसल्स या कैन से स्टेटेड मसल्स और इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है बंडल्स की फॉर्म में ऐसे बंडल्स की फॉर्म में है. होते हैं लॉन्ग होते हैं सिलेंड्रिकल फाइबर सिलेंडर की तरह होते हैं ऐसे सिलेंडर की तरह फॉर्म होते हैं ठीक है एंड इनमें क्या होगा इसमें लाइट और डार्क कि बैंड प्रेजेंट हो जैसे ये डार्क कलर है ये लाइट कलर है फिर डार्क कलर फिर लाइट कलर ये लाइट और डार्क कलर अपने बैंड्स प्रेजेंट होंगे ठीक है और क्योंकि जो स्टरिएटेड मसल होते हैं वॉल्ट्री मसल्स होते हैं हमारे हाथ में होते हैं हमने कैसे इसको काम करवाना है तो जो भी हमने बोन्स को मूवमेंट करवानी है अगर हमने मूव करना है या सिट करना है ठीक है वो सभी जो हमारे हाथ में काम है वो कौन करेगा स्टेटेड मसल्स करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू वी आर हैविंग नॉन स्ट्रिएटेड मसल नॉन मतलब इनवॉलेंट्री जो मसल्स हमारे हाथ में नहीं है अगर जैसे उसने काम करना है उसने काम करना ही करना है वो टिश्यू कौन से होते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल जैसे लार्ज इंटेंस्टाइन स्मॉल इंटेंस्टाइन ठीक है कोई भी ब्लड वेसल्स हैं वो सभी क्या होंगे नॉन स्ट्रिएटेड जो हमारे हाथ में नहीं है ठीक है ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्री केनाल में प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल में यूराइनरी ब्लैडर में ये सभी में नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होंगे और इनकी स्ट्रक्चर कैसे होंगी ये शीट्स की फॉर्म में होंगे ऐसे शीट्स वीयर की फॉर्म में होते हैं ठीक है इनमें क्या होगा स्पिंडल शेप मतलब ऐसे आके फिर ऐसे शेप होती है इनकी ऐसे तीखे होते हैं यहाँ से स्पिंडल शेप्ड होते हैं इनमें लॉन्ग फाइबर्स ऐसे लॉन्ग फाइबर फॉर्म में होते हैं इनमें कोई भी डार्क या लाइट बैंड्स कलर नहीं प्रेजेंट होते है. अभी इनका फंक्शन क्या है कि जो भी मूवमेंट ऑफ फूड या यूरिन वगैरह मूव करना है हमारी बॉडी में वो कौन कैसे मूव करेगा वो मूव करेगा नॉन स्ट्रिएटेड मसल में क्योंकि इसमें मेनली प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स और इसमें मेनली प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर जो भी हमारा फूड वगैरह जाना अंदर या यूरिन बाहर आना है उस सभी कौन हेल्पफुल होंगे उसमें टिश्यू कौन से प्रेजेंट होंगे वो होंगे नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स नेक्स्ट टाइप यू आर हैविंग कार्डिक मसल कार्डिक मतलब हर्ट जो भी हमारे हर्ट के अंदर मसल्स प्रेजेंट है या टिश्यूज प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे कार्डिक मसल्स तो कार्डिक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे वॉल्स ऑफ हर्ट में हर्ट में जो भी वॉल्स वगैरह प्रेजेंट है उसमें कार्डिक मसल्स होंगे इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा ये बिल्कुल नेटवर्क की, की फॉर्म में ऐसे कंबाइंड स्टेट में है फर्स्ट कनेक्ट है सेकेंड से सेकेंड कनेक्ट है थर्ड से ये पूरे नेटवर्क की फॉर्म में होगा और ये पूरे एक, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में है पूरे सेल्स ठीक है और इनमें भी लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन क्या है कि अगर हमारी बॉडी को पूरा ब्लड पंप करवाना है, पूरी बॉडी में तो पूरा ब्लड पंप कैसे होगा कार्डिक मसल या हर्ट मसल की हेल्पफुल से नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू वी आर हैविंग नर्वस टिश्यू तो नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी वर्क ब्रेन रिलेटेड होगा ना कोई भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग काम होगा जैसे हमने ब्रेन को मैसेज सेंड किया बॉडी पार्ट्स में या हमें कुछ भी गर्म लग गया फॉर एग्जाम्पल आपने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो गर्म आपको समझ आ जाएगा ना सेकेंड्स में समझ आ जाएगा कि आपने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो वो क्या करेगा नर्वस टिश्यू हेल्पफुल करेगा वो पूरा मैसेज ब्रेन तक सेंड करने के लिए या ब्रेन कोई मैसेज सेंड करेगा हमारी बॉडी पार्ट्स तक वो भी कहाँ से आएगा नर्वस टिश्यू से आएगा तो न्यूरॉन का डायग्राम आपने अच्छे से लर्न करनी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऐसे ही ड्रॉ करनी है इसको ऐसे पहले एक स्टार बनाओगे आप ठीक है आप सेंटर में बनाओगे ऐसे सेल बॉडी यहां पे ऐसे लाइन लगा के ऐसे बनाओगे आप एग्जेंस इसके ठीक है ये एग्जेंस बन जाएंगे और लास्ट में आप इसके ड्रॉ करोगे ऐसे नर्व एंडिंग और यहाँ पे आ जाएंगे डेंड्राइट्स ये वाले आगे हमारे पास क्या है डेंड्राइड्स ठीक है तो मेनली ये क्या करेंगे जो भी हमारी बॉडी में मैसेज वगैरह सेंड करना होगा ब्रेन टू द मसल्स और मसल्स टू द ब्रेन वो कौन हेल्पफुल करेंगे नर्वस टिश्यू हेल्पफुल करेंगे ठीक है अभी जो नर्वस टिश्यू होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं न्यूरस बोलते हैं ये एक्चुअली ये ही है ठीक है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन न्यूरॉन नि आगे क्या होता है थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट आ जाएगा सेल बॉडी जो ये हमारी पूरी बॉडी ने स्टार्ट टाइप ये क्या होती है सेल बॉडी ये हमारे पास है सेल बॉडी जिसे हम साइटन भी बोलते हैं नेक्स्ट आ जाएगा एक्जन जो ये वाला पार्ट है लॉन्ग पार्ट है ना ये वाला ये पूरा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एग्जन ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे डेंड्रॉन्स डेंड्रॉन्स के होंगे जो ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे इसे हम बोलेंगे डेंड्रॉन्स ठीक है तो ये पूरा हमारे पास नर्व सेल का डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे देखो ध्यान से जो हमारे पास ये वाली डायग्राम है यहाँ पे ये डेंड्रॉन्स है ठीक है डेंड्रॉन्स के आगे जाके ये हमारे पास डेंड्राइड्स है जो हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइड्स ठीक है अभी जो ये डेंड्रॉन है ये किससे अटैच है ये अटैच है हमारे पास सेल बॉडी से न्यूरोन की यहाँ पे डेंड्रॉन्स है डेंड्रॉन्स के आगे डेंड्राइड्स है और जो ये डेंड्रॉन्स है ये सेल बॉडी से अटैच है आगे जाके सेल बॉडी एक्सन से अटैच है एंड लास्ट जो वाली एक्सन से अटैच है नर्व एंडिंग से अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आ रहा है या कोई भी हमारे पास मैसेज आ रहा है इस न्यूरॉन में ये न्यूरॉन में मैसेज सबसे पहले साइटन में आएगा साइटन के बाद ये जाएगा यहाँ पे एक्जन के पास एक्जन के बाद जाएगा यहाँ पे नर्व एंडिंग पे नर्व एंडिंग पे बाद क्या होगा यहाँ पे एक ना एक गैप होगा वो गैप को हम क्या बोलेंगे साइन तो साइन ऐप्स के थ्रू से क्या होगा जो मैसेज एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में पास करेगा जंप करेगा ठीक है तो ये वाले हम स्पेस को बोलते हैं साइन थ्रू विच मैसेज कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन अब ये नर्वस टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में या सेंस ऑर्गन में क्योंकि ब्रेन में से स्पाइनल कॉर्ड तक स्पाइनल कॉर्ड से सेंस ऑर्गन तक ऐसे पूरा नर्वस टिश्यू क्या करता है हेल्पफुल करता है मैसेज सेंड करने के लिए नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्किंग ऑफ न्यूरॉन तो न्यूरॉन एक्चुअली काम कैसे करते हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल कोई भी बॉडी ऑर्गन से कोई मैसेज आया ठीक है बॉडी ऑर्गन से फॉर एग्जाम्पल आपने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो वो गर्म चीज़ क्या करेगी हमारी बॉडी सिग्नल सेंड करेगी हमारी ब्रेन को कि ब्रेन को वो क्या सिग्नल भेजेगी कि अपना हैंड पीछे कर लो ठीक है तो बॉडी ऑर्गन ने क्या किया इस न्यूरॉन की सेल बॉडी को मैसेज दे दिया अब ये सेल बॉडी क्या करेगी मैसेज को एग्जेट में ऐसे ऐसे ट्रांसफर करवाएगी ठीक है अभी यहाँ तक आ गया पूरे सेल एंडिंग तक आ गया ना नर्वस एंडिंग तक आ गया तो इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट मूव करेगी नेक्स्ट न्यूरॉन में नेक्स्ट न्यू न्यूरो जाएगी सेल बॉडी में जाएगी तो अगेन वो मैसेज सेल बॉडी के कहाँ पे जाएगा एक्सन में जाएगा फिर वो अगले न्यूर पास जाएगा अगले न्यूर के पास जाएगा ऐसे मिलियन ऑफ न्यूर तक मूव करके वो हमारे ब्रेन तक मैसेज को सेंड कर देंगे बट ये जो पूरा काम है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है ऐसा नहीं पूरा घंटा लगता आपको फिर समझ आता कि आपने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया वो व्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको समझ आ जाएगा कि आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया इतनी फास्ट वर्किंग है इसके न्यूरॉन्स की तो देखो हमारे पास मेनली ये फंक्शन कैसे करेगा नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स क्या करेगा फॉर एग्जाम्पल आपका ये हैंड है ठीक है हैंड ने आप फॉर एग्जाम्पल गलती से आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो आपके हैंड में बहुत सारे नर्व सेल्स हैं बहुत सारे न्यूरस हैं तो ये फर्स्ट न्यूर को मैसेज मिला फर्स्ट न्यूरोन ने सेकेंड को फटाफट दिया थर्ड को दिया फोर्थ को दिया ऐसे दे दें कि पूरे स्पाइनल कॉर्ड को चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को चला जाएगा तो ब्रेन आपका क्या करेगा आपको मैसेज सेंड करेगा कि फटाफट अपना हाथ क्या पीछे कर लो ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा जो न्यूर है वो एक सेंस ऑर्गन है वो क्या करता है हमारे इनवॉल

जाएगा ब्रेन कैसे जाएगा नर्व सेल्स के थ्रू I mean, तो -फट पीछे करो अगर कुछ गलत हो रहा तो ब्रेन हमें मैसेज सेंड करेगा कि फटाफट अपना हाथ को पीछे कर लो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच